खबर हनुमानगढ़ के नाहर से है, जहां भुकरका गांव के ग्रामीणों द्वारा एक ज्ञापन जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ को सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि दिनांक 11 दिसंबर शनिवार को राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत भुकरका में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रशासनिक अधिकारीगण के अलावा स्थानीय विधायक, पंचायत समिति प्रधान व उपखंड अधिकारी नाहर आदि उपस्थित रहे। शिविर में अन्य विभागों के कर्मचारी व अधिकारी भी उपस्थित हुए तथा इन सब के द्वारा अपने स्तर के कार्य भी संपादित किए गए। इसी क्रम में गांव भुकरका के लोगों ने आवासीय पट्टी जारी करने हेतु लगभग 170 आवेदन पेश किए। इन आवेदनों पर कार्यवाही करने हेतु ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भुकरका ने भूखंडों का नाप तोल भी किया, लेकिन शिविर के दौरान ग्राम विकास अधिकारी द्वारा एक भी पट्टा जारी नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जानबूझकर लोगों को आवासीय पट्टों से वंचित रखा गया है। ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया गया कि मामले को जनहित का मानते हुए ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भुकरका की भूमिका की जांच कर ग्राम विकास अधिकारी को भुकरका से हटाकर इसके खिलाफ सतर्कता समिति जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ से अनुशासनात्मक कार्यवाही करवाई जाए। इस पर जिला कलेक्टर ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। अपने कन्ना रखो जो आलू चेक कन्ना रखो समान आती है।